दिल्ली पुलिस ने पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ संजीव जैन को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। आखिर कैसे पकड़ा गया संजीव जैन, इस रिपोर्ट में देखिए। संजीव जैन पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ बच ना सके। शाहदरा जिला पुलिस की एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया। रजत बब्बर नाम के शख्स ने 2017 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन में जैन के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट में कई बार पेश न होने पर उनके खिलाफ 4 गैर जमानती वारंट और 1 जमानती वारंट जारी हुआ था। आखिरी वारंट इसी साल 18 जुलाई को निकला। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ ने पुलिस से बचने के लिए कई पैंतरे अपनाए। पुलिस के मुताबिक संजीव जैन गुरुग्राम के डीएलएफ फेज़ 2 में रहता है। उसके बारे में लगातार जानकारियां मिल रही थीं और वो लगातार अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा था, लगातार मोबाइल नंबरों को चेंज कर रहा था। लेकिन 3 अगस्त को जानकारी मिली कि संजीव डीएलएफ फेज़ 2 में ही है। इसके बाद जब पुलिस यहां पर पहुंची तो उसको भनक लग गई और वो यहां से दिल्ली के असोला इलाके की तरफ भागा। जैन ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पुलिस से बचने के लिए उसने क्या नहीं किया। इस बार गुरुग्राम के डीएलएफ फेज़ 2 से निकलने के बाद पुलिस उनके पीछे पीछे थी। वो फरीदाबाद गुरुग्राम के इसी पहाड़ी रास्ते से होते हुए दिल्ली के असोला इलाके में पहुंचे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के डीएलएफ फेज़ 2 के अपने घर से संजीव जैन करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करके दक्षिणी दिल्ली के असोला इलाके में पहुंचा। इस दौरान पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। यहां जब पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट किया तो यहां से भी वो पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा और यहां से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। लेकिन यहां भी संजीव जैन पुलिस को गच्चा दे गए और कई रास्तों से गुजरते हुए 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई। पुलिस उनके पीछे पीछे थी। आखिरकार गुरुग्राम से दिल्ली तक करीब 60 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एयरपोर्ट से उसे पकड़ लिया गया। इससे पहले कि संजीव जैन विदेश के लिए उड़ान भरते, उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक संजीव जैन बिल्कुल वैसे ही पैंतरे अपना रहे थे जैसे कि एक शातिर अपराधी अपनाता है। जैन पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड में 32 सालों से काम कर रहे हैं और इस कंपनी का बड़ा चेहरा है। इस कंपनी के 13 राज्यों के 37 शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें कमीशन में पेश किया, जहां से निवेशकों का पैसा चुकाने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।